अध्यक्ष महोदय, मैं जो विषय रख रहा हूं, मैं विषय जो महोदय रख रहा हूं और वो एक नोटिस है जो एक संभावना के प्रति मैं व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसा चीज होने वाला है जिसके कारण रेलवे की भी जिम्मेवारी हो जाएगी और राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी होगी। और इस सदन में मैं इस बात को इसलिए रखना चाह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड में आना चाह रहा हूं कि बिहार सरकार और रेलवे के बीच में एक निर्णय हुआ है जो बिल्कुल जिसका रेलवे ने विरोध किया है, और पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने वाला एक पुल का निर्माण किया गया जिसे रेलवे ने दिघा से लेकर सोनपुर में एक पुल का निर्माण किया, बाद में राज्य सरकार ने उस पुल के ऊपर सड़क का निर्माण कर दिया। लेकिन रेलवे और जो बिहार सरकार के सड़क विभाग में जो समझौता हुआ उसमें यह तय हुआ था कि 16 चक्के, 18 चक्के, 20 चक्के के ट्रक इस पर नहीं चलेगा। महोदय, आज रात्रि से दिघा और सोनपुर के भीतर रात के 10 बजे से इस 12 चक्के, 10 चक्के, 12 चक्का, 16 चक्का और 18 चक्का का 30 टन, 40 टन का ट्रक इस पुल से निकलेगा जो उत्तर बिहार और पूरे पूर्वोत्तर भारत को रेलवे से जोड़ता है। महोदय, मुझे आशंका है और मैंने लिखा है और रेलवे ने भी लिख करके बिहार सरकार को भेजा है कि अगर इस पर ये जो बड़े ट्रक चलेंगे जिस पर बालू लदा रहेगा और यदि इस पुल पर चलने से रेलवे का लाइन और पुल क्षतिग्रस्त होता है तो किसी भी ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, इस परिचालन पर रोक लगाई जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोग और पूरे देश के लोगों को इस सूचना देना चाहूंगा कि एक संभावित घटना जो होने वाली है और जिस पर रेलवे ने लिख के दिया है कि इस पर परिचालन पर रोक लाई जाए, राज्य सरकार ने उसकी अनुमति दी है, यदि कोई दुर्घटना होता है तो इसके लिए पूरे के पूरे तौर पर सभी अधिकारियों जिनको मैं समय समय पर लिख के देता रहा हूं वो जिम्मेवार होंगे, वो विषय समय सदन में भी उठेगा क्योंकि इस दुर्घटना की संभावना रेलवे ने लिखित रूप से प्रकट कर दिया है, जो आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और आपकी तरफ से निर्देशन भी चाहता हूं कि अगर ऐसी संभावना है, टेक्निकल संभावना है कि वहां एक्सीडेंट हो सकता है, बड़े पुल पर असंचालित रूप से ट्रकों के चलने के कारण अगर ध्वस्त हो सकता है तो ये हमारा दायित्व बनता है एक सांसद के रूप में कि मैं सदन में इस विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करूं और आपका निर्देशन भी प्राप्त करूं।